जय श्री श्याम मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा गुलाब का फूल। जानेंगे गुलाब का एक फूल बदल सकता है जीवन की दिशा किस प्रकार। जानें कुछ ऐसे गुलाब के फूल के टोटके जो आपके जीवन में लाएंगे नई बहार और बदलेंगे आपके जीवन में परेशानियों को। मित्रों, तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube वीडियो के साथ में, अंत तक जानेंगे गुलाब के फूल के कुछ टोटके। मित्रों, गुलाब के फूलों का रस चेहरे पर मलने से चेहरे पर ठंडी ठंडी ताजगी बनी रहती है और आंखों की जलन और खुजली दूर करने के लिए गुलाब का जल प्रयोग में लिया जाता है। गुलाब के घर में महकते रहने से किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, मन पवित्र और शांत बना रहता है, इससे जीवन में उत्साह बना रहता है। मित्रों, मैं आपके लिए लाया हूँ सुगंधित गुलाब के फूल से कुछ ऐसे उपाय व टोटके जिन्हें आजमाकर आप अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। मित्रों, जिसमें पहला टोटका है मनोकामना पूर्ति के लिए। किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को ताजे गुलाब के फूल बजरंग बली को 11 की संख्या में चढ़ाएं। ऐसा लगातार 11 मंगलवार तक करने पर आप बजरंग बली प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। मित्रों, दूसरा टोटका अचानक धन प्राप्ति हेतु। किसी भी शाम को गुलाब के फूल में कपूर का टुकड़ा रखकर उसे जलाते हुए कपूर के जल जाने के बाद उस फूल को देवी को चढ़ा देंगे। ऐसा करने से अचानक धन की कहीं न कहीं से प्राप्ति होती है। मित्रों, तीसरा टोटका तिजोरी में बरकत हेतु। घर में बरकत हेतु मंगलवार के दिन लाल चंदन, लाल गुलाब और रोली लेकर उन्हें एक लाल कपड़े में बांध लेवे। उसे एक सप्ताह के लिए मंदिर में रख दें। एक सप्ताह के बाद उनको घर या दुकान की तिजोरी में रख दें। ऐसा उपाय से पैसा पानी की तरह व्यर्थ न बहेगा और पैसा बरकत करेगा और रुकेगा। चौथा टोटका रोग निवारण हेतु। अगर घर में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में सुधार न हो रहा हो तो एक देसी अखंडित पान, गुलाब का फूल और कुछ बतासे रोगी के ऊपर से 31 बार उतारे तथा उनको चौराहे पर रख देवे। इसके प्रभाव से रोगी की दशा में शीघ्रता से सुधार होगा। मित्रों, पांचवा टोटका ऋण मुक्ति के लिए। मित्रों, अखंडित पंखुड़ी वाले 5 गुलाब फूल लाएं। उसके बाद 1.25 मीटर सफेद कपड़ा सामने रख कर बिछाएं और गुलाब के चारों फूल को चारों कोनों में बांध दें। फिर पांचवा गुलाब मध्य में डालकर गांठ लगा दें। इसके बाद इसे ले जाकर किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से ऋण मुक्ति और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। मित्रों, ये उपाय करने से ऋण मुक्ति में काफी अच्छा आपको लाभ मिल पाएगा। 5 गुलाब के फूल, एक चांदी का पत्ता, थोड़े से चावल गुड़ लें और उन्हें सफेद रुमाल में रख दें। किसी भी सोमवार को विष्णु और लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर रुमाल रख कर इन चीजों को हाथ में ले लें और 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद हर जाप के बाद कहें, मेरी परेशानी दूर हो, मेरे कर्ज से मुक्ति हो। ये कहने से आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। फिर कुछ सामग्री को इकट्ठा करके सबको ले जाकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह प्रक्रिया कम से कम 7 सोमवार तक करनी चाहिए। यह उपाय भी आप ऋण मुक्ति के लिए कर सकते हैं। मित्रों, इसके लिए छठा टोटका बच्चे के बीमार होने पर। यदि आपका बच्चा बीमार हो और जो भी खाता है उसकी उल्टी कर देता है, तब ऐसे में एक पान के पत्ते पर एक बूंदी का लड्डू, 5 गुलाब के फूल रखकर बच्चे के ऊपर से 7 बार वार कर चुपचाप किसी मंदिर में रखकर आ जाएं, सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। मित्रों, रुके हुए काम शुरू होंगे अभी जो बताने जा रहा हूं 7वें टोटके से। जिस व्यक्ति के कार्यों में बाधाएं आती हो, कार्य रुके हो, ऐसे जातकों को गुलाब का यह उपाय करना लाभप्रद साबित होगा। पूर्णिमा के दिन 3 गुलाब और 1 बेला अथवा चमेली के पुष्प सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर किसी नदी में विसर्जित करना चाहिए। इस प्रयोग से 5 पूर्णिमा लगातार करने से आपको अच्छे परिणाम मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। मित्रों, 8वां टोटका रोजगार हेतु। मंगलवार से प्रारंभ करते हुए 40 दिनों तक रोज सुबह नंगे पैर हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उन्हें लाल गुलाब के फूल चढ़ाएं। ऐसा करने से शीघ्र ही आपको रोजगार, नौकरी मिलेगी। मित्रों, यह उपाय करने से नौकरी के रुके हुए कार्य सफल होते हैं। मित्रों, 9वां टोटका देवी दुर्गा। पान के गुलाब की 7 पंखुड़ियां रखकर उसे पान
को देवी दुर्गा को चढ़ा देवें, आपको इससे धन की प्राप्ति होगी। मित्रों मित्रों दसवां टोटका, गुलाब का दूध लगाकर लक्ष्मी जी की उपासना करें। महालक्ष्मी के मंदिर में हर शुक्रवार को जाकर गुलाब चढ़ाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और आपके भंडारे हमेशा बने रहते हैं और माँ लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना पूर्ति करेगी। मित्रों जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ में। आज के लिए बस इतना ही। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम, जय माता दी।